श्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय महादेवाय योगयोगकेश्वराय युग भूतभूतभूतेश्वराय कानुकलेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादे हेलो 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 जी हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो पहले बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एसर के साथ एकदम शानदार चल रही होगी तो सभी ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का उम्मीद करता हूँ वन शॉट देख लिया होगा अब जल्द ही आपको उसका सेकेंड वर्जन जो है वो आई वाले चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेगा तो सभी बच्चों का आज की इस कक्षा में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस वंडरफुल केमिस्ट्री लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बच्चों ये जो मेहनत हो रही है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है सबसे पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दें कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस साल के लिए पढ़ाई जा रही है गलत बात ये तो इस साल हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं बाकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है 2025 के लिए क्योंकि जो एलेवेंथ क्लास का बच्चा है वो 2025 में जाकर के दो एग्ज़ामों से का सामना करेगा वो दो एग्जाम कौन से होंगे वो दो एग्ज़ाम होंगे पहला तो आपका बोर्ड का एग्जाम मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सो में से सो जो हैं वो लेके आने ही आने हैं तो जो बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आए उसके लिए केमिस्ट्री में तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ऑर्गेनिक आनी चाहिए दूसरा इस समय जेई और नीट में भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होगा तो आप वो बच्चे नहीं बनना जो जाके बाद में ड्रॉप करेंगे आपको वो बच्चा बनना है जो जेई नीट को ट्वेल्थ के साथ साथ ही फोड़ेंगे आपको वो बच्चा बनना है है ना मैं ऐसे बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ ऐसे बच्चे तैयार करना चाहता हूँ जो अभी से पढ़ करके दो हज़ार पच्चीस का एग्ज़ाम जो है वो फोड़ रहे होंगे बहुत बुरी तरीके से सही है तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट बनती है वो बनती है ऑर्गेनिक और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ए से पढ़ने वाले बच्चे को ये एक बड़ी रुकावट के रूप में दिखाई दे इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपको अभी से साधक बना रहा हूँ और साधना सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ठीक है तो नामकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं यह सब कुछ तभी हो पाएगा जब आपके अंदर जीवन में कुछ बनने की जिद होगी बिना जिद के संभव नहीं है तो इसलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना हैश टैग जिद कर क्योंकि जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके अंदर की जिद ही आपको आगे लेकर के जाएगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों लिख दो हैश टैग कर फिर हम आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देखने को मिलेंगे और आप हर बार आप देख रहे हो जैसे जैसे आप आई यूपीएससी में आगे बढ़ते आ रहे हो वैसे वैसे आप नए नए एग्जाम्पल्स नए नए कंसेप्ट को सीख रहे हो तो ऐसे ही आपका जीवन आगे बढ़ेगा और आप चीजों को अच्छे से देखोगे ठीक है और जो बच्चा बोर्ड का बच्चा नहीं है ड्रॉपर है और इस वीडियो को देख रहा है जो दो में बोर्डने वाला है उसको भी ये सीरीज बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाली है ठीक है चलो बढ़े आगे ओके गाइस अब ये सवाल आपको याद होगा कल हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ खेल रहे थे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ खेलते हुए अपने ये सवाल सत्ताईस अट्ठाइस नंबर के करके रखे थे हमें अभी तक ये समझ में आया है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है किससे प्रतिस्थापी से अब अभी एक दिमाग में कंफ्यूजन और है जो अब क्रिएट होगा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाए तो हम किसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे किसको नंबर कम देंगे क्योंकि अभी तक सन्ने ही नहीं बताया सर ने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है उससे कम प्राथमिकता डबल बॉन्ड की की और सबसे कम है प्रतिस्थापी पर मल्टीपल बॉन्ड में भी तो 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 दो ऑप्शन है डबल ट्रिपल. तो डबल ट्रिपल ट्रिपल आमने सामने आ जाए तो फिर क्या करना है सर ये तो आपने बताया ही नहीं तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि डबल ट्रिपल सामने आ जाए तो क्या करते हैं तो अगले सवाल से पहले आशीष सर का एक कैप्सूल नोट करिए उस कैप्सूल के बाद मैं आपको ये सवाल करवाता हूं चलो शुरू करें कैप्सूल है कि यदि डबल व ट्रिपल बॉन्ड अब सुनना ध्यान से हम इस कैप्सूल में कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन समझते हो अंतर कंपैरिजन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सीख रहे हैं तो हम बेसिकली इसमें क्या सीख रहे हैं इसके अंदर हम कंपैरिजन सीख रहे हैं बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन जो है वो सीखने वाले शुरू करें देखो इसके लिए कैप्सूल कैप्सूल अपनी भाषा में ही लिखवाता हूं तो यदि डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हो यदि डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हो सेम नंबर पर आ रहे हो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हो इसको बोलते हैं सममित सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं सममित या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या सिमेट्री है ना तो यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे तो हो तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड की होगी तो प्राथमिकता प्राथमिकता का मतलब क्या होता है प्राथमिकता मतलब होता है कम नंबर तो प्राथमिकता प्राथमिकता का मतलब है कम नंबर तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड की होगी तो प्राथमिकता अपन किसको देंगे प्यारे बच्चों प्राथमिकता अपन देंगे डबल बॉन्ड को तो यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हो यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ रहे हो तो प्राथमिकता किसकी होगी प्राथमिकता होगी डबल बॉन्ड की इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में याद रखना है और यदि असम्मित हो यह तो हो गई बात सम्मित की यदि असमित हो मतलब अनसिमेट्रिकल हो अगर असमित हो असिमेट्रिकल हो तो ऐसे केस में आपको लीस्ट नंबर रूल लगाकर फैसला करना है ऐसे केस में आपको लीस्ट नंबर रूल से फैसला करना है तो ऐसे केस में आपको किससे फैसला करना है आपको लीस्ट नंबर रूल से फैसला करना है मजा आया नहीं आया आपको सुनकर के कि भाई अब इसको बिना एग्जांपल के तो आप नहीं समझ पाओगे बट सबसे पहले कैप्सूल को ध्यान से देख लीजिए कैप्सूल आपको यह सिखाता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में में क्या करना है है मैंने आपको कैप्सूल साफ साफ लिखवाया कि अगर डबल बॉन्ड बॉन्ड और ट्रिपल सेम नंबर आ रहे हो तो आप प्राथमिकता दोगे डबल बॉन्ड को और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे नहीं आ रहे हो तो ऐसे केस में प्यारे से बच्चों आपको लीस्ट नंबर रूल को फॉलो कर देना है ठीक है अब मैं एग्जांपल नंबर ट्वेंटी नाइन और थर्टी में आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल दूंगा एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी नाइन और एग्जाम्पल नंबर थर्टी जो है वो इसी कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं तो चलो शुरू करें जैसे इस प्रकार का सवाल आ जाए ये सवाल आ गया अब इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें डबल बॉन्ड भी कार्बन संख्या वन के बाद आ रहा है अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो वन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी वन के बाद आ रहा है मतलब ये जो केस है ये केस केसमित वाला केस है सम्मित का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहां डबल एंड ट्रिपल सेम नंबर पे आ रहे हैं अगर मैं नंबरिंग करता हूं प्यारे बच्चों ध्यान से देखें अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट के बाद में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा मतलब इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पे आ रहे हैं। तो अगर और पे आते हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ऐसे में आप अब देखो जब आपने एक बार फॉर्मला लगा दिया एक बार नंबरिंग कर दी फिर फॉर्मुला नहीं लगाना है आपको फिर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है फॉर्मूला लगाना है आपने एक बार नंबरिंग कर दी फिर मैंने क्या सिखा रखा है दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है फिर केवल फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला क्या बोलता है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स अब इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को मेंशन करना है तो मेरे को तो इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी दिख नहीं रहा उसके बाद मेंशन करना है कि आपके पास रिंग बन रही है कोई रिंग नहीं बन रही कितने कार्बन है यहाँ पे आपके पास पांच कार्बन है पांच कार्बन के लिए आप पेंट शब्द का प्रयोग करेंगे कार्बन कार्बन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या जी हा है कौन से कौन से बॉन्ड है पहले आप डबल बॉन्ड को मैंशन करेंगे फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को मैंशन करेंगे करें मैंशन करना शुरू तो आपको बताना है कि फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट के बाद में है डबल बॉन्ड इसके लिए लिखेंगे ई यानी इन और फिर फोर्थ के बाद में है ट्रिपल बॉन्ड तो आप लिखेंगे फोर्थ के बाद में है ट्रिपल बॉन्ड वाई एनी वाइन एक बात याद रखिएगा कि इसके बाद लास्ट में आता है फंक्शन ग्रुप फंक्शन ग्रुप यहां पे है नहीं खत्म बात अब एक छोटा सा कैप्सूल और, और है वो कैप्सूल भी देख लो कैप्सूल ये है कि अगर आपके पास ए, ए आई, ओ, यू और वाई ये पांच में से कोई भी अल्फाबेट आ रहा हो वापस देखो ए ए, आई e, ओ यू वाई इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट आ रहा हो तो आप एन इन और आईन के लास्ट के ई को हटा देंगे इसको बोलते हैं ओमिट कर देना वोमिट मतलब होता है निकालना ओमिट मतलब हटाना तो अगर आपका ए वोवल हो गए ए ई आई ओ यू और उसके अलावा वाई इनमें से कुछ भी आ रहा हो तो आप एन इन आइन के ई को हटा देंगे तो यहां पे आप देख सकते हो ई के बाद में क्या आ रहा है वाई आ रहा है तो अपन यहां पे ई को हटा देंगे तो इसका जो सही सज्जन नाम है वो इसका सही नाम होगा पैंट वन इन ई हटा दो और फोर पे है आइन वाई एन ई आईन खत्म तो यहीं पे आपने दो कंसेप्ट सीख लिए पहला कंसेप्ट तो ये कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रहा हो प्यारे बच्चों तो ऐसे केस में आपको क्या करना है आपको हमेशा डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी उसको कम नंबर देना है डन चलिए अब थर्टियथ एग्जाम्पल इसका दूसरा वाला असमित वाले केस को कवर करेगा चलिए खेला खेला हो बे, शुरू करें चलिए अब इसको देखिए ये कैसा केस बन रहा है क्या इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रहे हैं अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां से नंबरिंग कर रहा तो फर्स्ट के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर के बाद आ रहा है मतलब ऑब्वियसली बात है ये जो केस है ये असमित वाला केस है यहाँ पे डबल और ट्रिपल सेम नंबर पे नहीं आ रहे हैं जैसे ऊपर तो अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो वन के बाद डबल था यहां से नंबरिंग करते वन के बाद ट्रिपल था बट इसमें यहां पे सेकंड के बाद डबल है और फर्स्ट के बाद ट्रिपल है तो दोनों सेम नंबर पे नहीं आ रहे असमित का मतलब है असमित को अगर आप और खोल के लिखना चाहो तो डबल ट्रिपल सेम नंबर पर नहीं आ रहे ये इसका मतलब है कि डबल और ट्रिपल जो है अगर वो सेम नंबर पे नहीं आ रहे तो हमें क्या करना है तो प्यारे बच्चों अगर डबल ट्रिपल सेम नंबर पर नहीं आ रहे तो आप लीस्ट नंबर रूल न्यूनतम संख्या नियम लगाओगे क्या कहते हैं न्यूनतम संख्या नियम अगर आपने इधर से नंबरिंग की करके देख लो डबल बॉन्ड आएगा सेकंड के बाद थ्री फोर फाइव ट्रिपल बॉन्ड आएगा फाइव के बाद नंबर आ रहा है सात अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो वन टू थ्री फोर तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा फर्स्ट के बाद और सेकंड थ्री फोर डबल बॉन्ड आएगा फोर के बाद तो कौन सा नंबर कम है ये वाला मतलब नंबरिंग से होगी समझ गया ना अगर इधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड आता सेकंड के बाद में थ्री फोर फाइव ट्रिपल बॉन्ड आता फाइव के बाद में अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट के बाद में और डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ के बाद में तो इसको जोड़ने पा रहा है पांच इसको जोड़ने पा रहा है सात तो लीस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग कौन सी वाली नंबरिंग एकदम सही बोली जाएगी तो लीस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वाली नंबरिंग जिसमें इधर से नंबरिंग करनी है वो एकदम सही माना जाएगा चलिए अब देखें इसका नाम लिखना देखें ओके अब आपने एक बार नंबरिंग कर दी तो मैंने क्या बोला जब आप एक बार नंबरिंग कर देते हो तो फिर आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है जब आपने एक बार नंबरिंग कर दी आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना फिर आपको सीधा फॉर्मला लगाना है लगाइए फॉर्मला क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं है क्या इसमें रिंग बन रही है नहीं बन रही कितने कार्बन है छह तो छह कार्बन के लिए आप हैग्ज शब्द का प्रयोग करेंगे सिंगल बॉन्ड है क्या इसमें आ, नहीं सारे बॉन्ड सिंगल है डबल भी है कौन से नंबर पर डबल है फोर्थ के बाद डबल है तो फोर्थ के बाद डबल है अब मैं पहले से ई को हटा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट के बाद में ट्रिपल भी है तो जब ए ई आई ओ यू या वाई होता है तो हम ई एन ई के ई को हटा देते हैं देखो अल्फाबेट e में पहले आता है वाई बाद में आता है इसलिए पहले डबल बॉन्ड लिख रहे हैं बाद में ट्रिपल बॉन्ड लिख रहे हैं बाद में कोई बड़े बड़े ग्रुप नहीं है बात खत्म तो ये इसका नाम हो गया हैक्स, four, in, one, कितनों का सही है कितने बच्चों का इसमें बिल्कुल सही है बताओ कितने बच्चों का बिल्कुल सही है मतलब आप समझना इस नंबरिंग को अपने सही साबित किया है अगर अपन इसकी जगह ये नंबरिंग करते ना मैं पूरा ओपन करके लिख देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको कन्फ्यूज़न रहे अपने से केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं हो मैं इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो अगर आप ये नंबरिंग करते ना प्यारे बच्चों तो इस नंबरिंग में दूसरे नंबर के बाद में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आता और पाँच के बाद ट्रिपल बॉन्ड आता तो वैल्यू आती है सात इसमें पहले के बाद में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और चौथे के बाद डबल वैल्यू आ रही है पाँच इसलिए अपन ने इस नंबरिंग को सही बोला और इस नंबरिंग को गलत बोला आ गया गुड चलो अब करो क्वेश्चन नंबर थर्टी प्रैक्टिस से होता है सब कुछ जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना आपका परफेक्ट रहेगा ये लो करो इसका नामकरण संस्कार जल्दी से करो इसका जल्दी से देखते हैं कितों का सही होता है करो देखो क्या यहां पे सम्मित है सबसे पहले तो वो चेक करना होता है ना सबका सही होना चाहिए क्वेश्चन सबसे पहले ये चेक करो यहां पे सम्मित है क्या वन टू सेकंड के बाद मारा ट्रिपल बॉन्ड वन टू थ्री थर्ड के बाद मारा डबल बॉन्ड तो ये सम्मित नहीं है अब सम्मित नहीं है तो कौन सी नंबरिंग सही होगी यही सवाल है चलो देखते हैं चलो देखें देखो अगर ऐसे नंबरिंग करते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो सेकंड और सिक्स के बाद आ रहा है एट आ रहा है सबित नहीं है तो सिंपल क्या लगाना है लीस्ट नंबर रूल एनएलआर लगेगा इसके अंदर ठीक है और अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो डबल बॉन्ड किस नंबर के बाद में आ रहा है तीन नंबर के बाद और ट्रिपल बाउंड सात की बात तो यहाँ से आ रहा है दस यहाँ से आ रहा है आठ तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी मतलब ये नंबरिंग सही मानी जाएगी इस नंबरिंग को गलत मानेंगे डन यहाँ तक तो आप पहुँच गए थे सही तरीके से चलो अब आगे देखो जब एक बार अपन नंबरिंग कर देते हैं तो आशीष सर ने साहब बोला क्या दिमाग नहीं लगाना फॉर्मला लगाना फॉर्मला क्या है अब तो फॉर्मला दिमाग में बैठ गया होगा कितनी बार लिख दिया मैंने टू डिग्री प्रीफिक्स प्लस वन डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वन डिग्री सफिक्स प्लस टू डिग्री सफिक्स चलो अब इस फॉर्मूले के साथ खेलना होगा अच्छे से तो क्या यहां पे कोई सीएल ऐसा दिख रहा है नहीं सर हमें यहाँ पे कोई भी सीएल ऐसा नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे रिंग बन रही है नहीं बन रही सर कितने कार्बन है आठ कार्बन आठ कार्बन के लिए क्या लिखते हैं सर नॉन लिखते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करो डबल बॉन्ड किस नंबर के बाद में है सिक्स नंबर के बाद में तो सिक्स के बाद में है डबल बॉन्ड ईन ट्रिपल बॉन्ड है हाँ जी सर है कौन से नंबर के बाद में है सेकंड के बाद में तो इसलिए पहले ही मैंने वाई के आने के कारण ईन का ई हटा दिया है ये आपका हो गया नंबरिंग अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनका ये नंबर बिल्कुल सही है जिन्होंने ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा है उनका आंसर ये आया है। प्रैक्टिस से होगा बेटा आप कंसेप्ट को सीखते हो उसके बाद मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन देता हूं आप उस क्वेश्चन को कितना ईमानदारी से ट्राई करते हो उससे समझ में आएगा कि आप लोग सच में कितना अच्छे से उस कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हो ऑर्गेनिक टू वे ट्रैफिक है मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको मुझसे वापस सवाल जवाब करने तो अगर मैं आपको कोई टास्क करने के लिए दे रहा हूं मैं आपको कोई नाम लिखने के लिए दे रहा हूं और आप नहीं लिखोगे ईमानदारी से नहीं हो पाएगा है ना बताइए ठीक है फिर चलिए कर लें ओके तो अब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ये सबका सही होना चाहिए एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसका गलत हो वेरी गुड वेरी गुड मेरे साथ साथ ऑर्गेनिक ऐसे हंसते हंसते खेलते खेलते सीख जाओगे आप ना 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 ये लो और करते हैं इसको ये लो चलो लिखो इसका नाम इसका नाम लिखो लिखो चलो करो 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 पट्टा पट पत्त करो वेट नहीं करना जल्दी से करो हम्म मस्त मजा मक्खन शुरू करें चलिए सबसे पहली बात ये सम्मित का केस है असम्मित का केस है तो साफ साफ इसको देख करके मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूं कि ये केस तो है असमित का क्यों बेटा असमित ये केस जो है असम असमित का है कभी कभी हिंदी लिखने में भी दिक्कत हो जाती है <laughs> चलिए जी क्यों वन टू थ्री थ्री के बाद में ट्रिपल बॉन्ड क्यों वन के बाद डबल बॉन्ड तो इधर से थ्री के बाद में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इधर से के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है बिल्कुल गलत बात है तो ऐसे केस में अब हमें लगाना पड़ेगा लीस्ट नंबर रूल क्या लगाना पड़ेगा लीस्ट नंबर रूल तो चलो दो प्रकार के नंबरिंग संभव है दोनों नंबरिंग के साथ खेल के देखते हैं तो सी एस थ्री सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू दोनों प्रकार की नंबरिंग करके देख लेते हैं कौन सी नंबरिंग सही लगती है एक एक सवाल को दिल से कराता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आए आप ऐसे करके देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नंबर थर्ड के बाद और डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर छः के बाद छः और तीन हो गए नौ तो यहां से नंबर नौ आ रहा है इधर आप इसकी रिवर्स नंबरिंग करते हैं ऐसी वाली तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो फर्स्ट के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड और फोर्थ के बाद में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड वैल्यू आ रही है फाइव तो लीस्ट नंबर रूल के हिसाब से कौन सा सही है ये वाला सही है वेरी गुड चलो अब जब आपने एक बार नंबरिंग कर ही लिए तो आशीष सर ने साफ बोला है कि कंसेप्ट अप्लाई करना बंद कर देना है दिमाग लगाना बंद कर देना है फॉर्मा लगाना चालू कर देना है देखते हैं कितने सही फॉर्मला लगाया है सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापी है कि अब तो फॉर्मा दिमाग में याद हो गया होगा चलिए प्रतिस्थापी है क्या नहीं है क्या यहाँ पे रिंग बन रही है नहीं बन रही है कितने कार्बन है सात तो सात कार्बन के लिए आप मैंशन करेंगे हैपट उसके बाद बताइए डबल बॉन्ड है क्या हाँ जी है कौन से कार्बन के बाद है सर फर्स्ट कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है तो वन के बाद ईन और क्योंकि फोर के बाद में आइन है तो मैंने पहले ही एन इन आइन का ई हटा दिया है तो ये आपका नंबरिंग ये आपका नाम हो गया हेप्ट वन इन फोर आइन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग दिस एंसर एग्जैक्टली किसका यही एग्जैक्ट आंसर आया है इन हाथ ऊपर कर दो तो खट. मजा आ रहा है ना सर वाइन का ई नहीं हटेगा कि नहीं बेटा जो पहले होता है उसका हटता है मतलब इसके पहले जो है उसका हटेगा इसके आगे कुछ आएगा तो इसका हटेगा अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका नहीं हटेगा ठीक है पहले वाले काटता है चलो बोलो फिर मस्त मजा आ गया अगला सवाल करें चलो अब ये अगला सवाल थोड़ा समझदारी से करना इसमें गलती मत कर देना ये अगला सवाल एकदम दिमाग बुद्धि के साथ करना चलो इसका आंसर सबका सही होना चाहिए करो गुड गुड वेरी गुड चलो इसका आंसर सब सबका सही होना चाहिए करो ट्राई करो नेक्स्ट सवाल ट्राई करो किसी का भी ये गलत नहीं होना चाहिए करो सबसे पहले चेक करो सम्मित है या नहीं है ना वो इंपॉर्टेंट है तो सम्मित असमित चेक करते हैं इधर से भी फर्स्ट के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है इधर से भी फर्स्ट के बाद में ट्रिपल बॉन्ड अरे वाह मजा आ गया मतलब ये केस है सम्मित का सम्मित का मतलब समझते हो ना सम्मित का मतलब होता है डबल ट्रिपल सेम नंबर पे आ रहे तो ये केस है सम्मित का मतलब इसमें डबल और ट्रिपल जो है वो सेम नंबर पे आ रहे हैं तो ऐसे केस में क्या सिखाया था अपन डबल को देंगे प्राथमिकता मतलब डबल को देंगे अपन कम नंबर यही तो कंसेप्ट चल रहा है यही तो इस टॉपिक का मेन कंसेप्ट चल रहा है देखो यही तो सिखाया था आज आते ही आपको कि अगर दोनों सेम नंबर पे हैं तो आप प्राथमिकता अर्थात कम नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को देंगे ठीक है फिर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा डायरेक्टली बात ही खत्म तो नंबरिंग ए ही संभव है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सोचा इस तरह से आप लोगों ने लीस्ट नंबर रूल तब लगाना है जब असिमेट्रिक हो रहा हो चलिए तो इस हिसाब से नाम लिखेंगे आप दिमाग लगाना नहीं है फॉर्मला लगाना है क्या इसमें सीर भी ऐसा कुछ है नहीं है कितने कार्बन है इसके अंदर रिंग बननी रही कितने कार्बन है छह कार्बन छह कार्बन के लिए यूज क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड है हां जी है किसकी बाद में है फर्स्ट के बाद में ट्रिपल बॉन्ड भी है तो इसका ई हटा दिया किस के बाद है? के बाद. तो ये इसका हो गया सही नाम बताओ बेटा कितने बच्चों का यही नाम है मजा आता है ना अब अब आता है ना मजा मजा आता है नहीं आता है बताओ आता है ना मजा सवाल करने में अब गुड <laughs> ऐसे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं जैसे जैसे अपन अच्छे सवाल करते जाते हैं अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक में बढ़ता जाता है तो मैं तो यही चाहता हूं आप तो बहुत खुशकिस्मत हो कि आप आराम आराम से पढ़ रहे हो तो क्योंकि अभी आप इलेवंथ में हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो और अच्छे से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा प्रैक्टिस करते रहो नोट्स बनाते रहो बात खत्म और हाँ आपका आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ाना है मुझे वो मैंने कल पढ़ा दिया था वैसे तो उसके एग्जाम्पल्स कराने अपन कल परसों में आपका फोर्थ चैप्टर भी खत्म कर लेंगे जिससे आप उस चैप्टर से भी फ्री हो जाओगे फिर शांति से बैठ के ऑर्गेनिक पढ़ना मेरे साथ ठीक है अब आते हैं थर्टी थ्री पे अब इसको ध्यान से देखिए इस सवाल को करके बताना चलिए ट्राई कीजिए इसको फटाफट से इस सवाल को करिए इस सवाल का नाम जो है एकदम अंतरात्मा से लिखिए इस सवाल का जवाब अंतरात्मा से लिखिए एकदम सही तरीके से जल्दी करो इसका जवाब एकदम अंतरात्मा से लिख के बताओ सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करना डबल बॉन्ड को काउंट करते हुए सोचा आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी क्या आपने चेन करी चार एक दो तीन चार पांच छह तो सबसे लंबी चेन होगी ये वाली अब बहुत सारी संभावनाओं को देखा करो कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी बन सकती है चेक किया करो संभावनाएं तलाशा करो मैंने आपके सामने किया ना वन टू थ्री फोर चार कार्बन की वन टू थ्री फोर चार कार्बन वन टू थ्री फोर चार कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः कार्बन तो ये सबसे लंबी रहेगी अब इसमें तो दिक्कत है ही नहीं आप कहीं से भी कर दो इधर से नंबरिंग करोगे तो वन लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं कंपटीशन है नहीं तो आपको लीस्ट नंबर रूल एनएलआर को फॉलो कर लेना सिंपल सा तो नंबरिंग यहीं से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये मिथाइल प्रतिस्थापी हो गया ये मिथाइल भी आपके लिए क्या हो गया प्रतिस्थापी हो गया तो बस अब तो हो जाएगा इसका नाम देखते हैं कितना है सही लिखा है और एक बार जब आप नंबरिंग कर देते हो तो फिर दिमाग नहीं लगाना है फॉर्मुला लगाना है फॉर्मुले में सबसे पहले प्रतिस्थापी का मेंशन करना है फिर रिंग है तो उसके बारे में बताना है कार्बन का संख्या बतानी है फिर आपको सिंगल डबल ट्रिपल बताना है और लास्ट में आपको प्रतिस्थापी लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है चलो करते हैं क्या है इसमें प्रतिस्थापी है हाँ जी है कौन से नंबर पे है सर तीसरे पे भी और चौथे पे भी है तो तीसरे पे भी आपका प्रतिस्थापी है चौथे पर भी आपका प्रतिस्थापी है ये नहीं लगना चाहिए थर्टी फोर बीच में कॉमा आएगा कुछ बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और छोटी छोटी गलतियां आपका सर्व विनाश करती हैं छोटी छोटी गलतियां आपका सर्व विनाश करती है मैं तो आपको साफ कह रहा हूं आप यहां पे कॉमा लगाने भूल जाओगे एक नंबर अगर आया IUPSC का जीरो मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलना कॉमा लगाना भी भूल जाओगे आपका हाँ तो थर्ड पे भी मिथाइल है फोर्थ पे मिथाइल तो ये हो गया थ्री थ्री डाई मिथाइल अब आगे कितने कार्बन है दिख रहे हैं आपको यहाँ पे रिंग तो बननी रही बात खत्म कितने कार्बन है छह कार्बन है तो छह कार्बन तो के लिए हैग्स शब्द का प्रयोग होगा क्या इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है हां जी सर है एक फर्स्ट के बाद में डबल बॉन्ड है सर और एक थर्ड के बाद में डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट के बाद एक डबल बॉन्ड है थर्ड के बाद तेरह नहीं लगे इसलिए बीच में लगेगा कॉमा दो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए लिखेगा जाएगा डाई इन कोई भी चीज दो है तो उसके लिए आप डाई शब्द का प्रयोग करेंगे तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपने इसमें कौन सी गलती करी या वो बच्चे कौन से हैं जिनका बिल्कुल सही है यहां पे एक तो इधर डाई का ध्यान रखना था एक यहां डाई का ध्यान रखना था कॉमा वगैरह का भी ध्यान रखना था तो हर सवाल हमारे प्यारे से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है हर सवाल हमारे प्यारे से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाई रहा है हर सवाल में कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ, कुछ नया जो है मैं आपको देता जाऊँ और आप नया नई चीज़ों को सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ चलो बताओ गुड यार काफ़ी बच्चों का सही है गुड चलिए थर्टी फोर ये वाला करके बताओ चलो इसका नाम लिखो सबका सही होना चाहिए कंपटीशन है ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है कंपटीशन है ही नहीं कंपटीशन है ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड है सर ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन है क्या जी हाँ यहाँ कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं प्यारे बच्चों यहाँ कॉम्पिटिशन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं सिंपल लॉन्गेस्ट चेन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करती हुई आपको ऐसे बनानी है कहीं से भी नंबरिंग कर लो सेम बात है वन टू थ्री पे आ रहा है वन टू थ्री पे आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता तो वन टू थ्री फोर फाइव अब तो खटाखट खटाखट नाम लिखना आना चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में चलो अब बताओ शुरू करें यहाँ पे दो प्रतिस्थापी है प्रतिस्थापी मिथाइल है दूसरा मिथाइल है स्टार्ट करें दो प्रतिस्थापी दिखाई दे रहे हैं कौन से नंबर पे पहला प्रतिस्थापी है तीसरे नंबर पे दूसरा भी तीसरे नंबर पे है तैतीस ना लगे उसके लिए बीच में लगेगा कॉमा दो मिथाइल है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल आगे बढ़े क्या यहां पे रिंग बन रही है नहीं बन रही बात खत्म कितने कार्बन है पांच कार्बन पांच के लिए शब्द काम में लेते हैं पेंट क्या यहां पे डबल ट्रिपल है सर ट्रिपल है कौन से की बात ट्रिपल है फर्स्ट के बाद ट्रिपल है सर फोर्थ के बाद ट्रिपल है तो ये हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ कॉमा लगाना है अंक शब्द डैश अंक अंक कॉमा दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई के साथ में वाइन एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए आईयूपीएससी में एक डैश लगाना भी भूल गए तो अंक मिलेगा जीरो ये बात ध्यान रखें एक डैश लगाना भी भूल गए प्यारे बच्चों तो अंक मिलेगा शून्य जीरो अंडा ओके okay. मजा आया? अगला सवाल दे दूँ इसी बात पे। टक 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 करो सवालों का चयन मैं बहुत अच्छे से करता हूँ मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के नोट्स को इतना अच्छा कर रखा है कि मेरे सवालों का चयन बहुत अच्छा है तो आई यू पी एस सी मैंने ऐसे सवालों का पुलिंदा बना रखा है जो सवाल अगर बच्चे तक पहुँच जाए जिंदगी तर जाएगी उसकी तो सर नींद नहीं आती आपकी क्लास में बढ़िया बात है ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरी क्लास में नींद नहीं आती है तो दैट्स गुड अच्छा लगा सुन करके मन प्रसन्न हो गया आपकी बातें सुन करके करो इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आपको समझ गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दो प्रतिस्थाप हो गए इसमें ये हो गया इथाइल ये हो गया एक कार्बन का मिथाइल तो सबसे पहले किसको लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं क्योंकि एक बार नंबरिंग कर ली फिर दिमाग नहीं लगाना फिर फॉर्मोला लगाना फॉर्मिला बोलता है टू डिग्री प्रीफिक्स प्लस वन डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वन डिग्री सफेक्स प्लस टू डिग्री, डिग्री सफिक्स तो यहां ध्यान से देखें मजेदार रहेगा ये अब यहां पे समझिएगा सबसे पहले कौन है ई है तो थर्ड पे थर्ड पे आपका है इथाइल डन उसके बाद फाइव पे आपका है मिथाइल उसके बाद आगे बढ़े क्या यहाँ पे रिंग बन रही है कोई रिंग नहीं बन रही बात खत्म कितने कार्बन है यहां पे यहां देख रहे हैं छह कार्बन है छह कार्बन के लिए यूज करेंगे अपन हैग्ज शब्द छह कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे छह कार्बन के लिए अपन यूज करेंगे हैग्ज शब्द क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल भी है डबल भी है सर कहा है फर्स्ट के बाद डबल है सर तीन के बाद डबल है तो फर्स्ट के बाद डबल है और तीन के बाद डबल है तो ये हो जाएगा वन थ्री डाई इन खत्म तो ये आपका हो जाएगा नाम ये आपका हो जाएगा नाम बताओ कैसा लगा ठीक है कितो का सही था ये थ्री इथाइल फाइव मिथाइल हैग्स वन थ्री डाई इन कितों का सही था भाई गलतियां तो नहीं कर रहे हो ना ये डाई वाई लगाना ये लगाना नहीं भूलना है कोमा लगाना नहीं भूलना है ये सब गलतियां तो कर नहीं रहे हो ना आप ये सब गलतियां तो नहीं कर रहे हो ना बस ये ध्यान रहे कि ऐसी कोई भी गलती हमें नहीं करनी है हंड्रेड परसेंट करेक्ट किसका है वो हाथों पर करना एक बार चलो अगला सवाल देखते हैं कितनी बातें आपको याद हैं ये सवाल उस बात की पुष्टि करेगा कहीं पढ़ते पढ़ते तुम भूल तो नहीं जाते हो कंसेप्ट चलो करो देखता हूं ये कितनों का सही होता है ऐसा तो नहीं होता ना तुम्हारे साथ कि कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते तुम आगे के कंसेप्ट भूल जाओ उसी बात की पुष्टि हो जाएगी इसके बाद करो इस सवाल को बस इसके बाद फिर क्रियात्मक समूह शुरू कर देंगे अपन इसके बाद अपन क्रियात्मक समूह शुरू कर देंगे ठीक है करो ट्राई सबसे पहली बात ये होगी आपकी चेन अब देखता हूं कितो कंसेप्ट याद है यहां से नंबरिंग कर रहे हैं फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है यहां से नंबरिंग कर रहे हैं फर्स्ट के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मतलब ये केस है सिमेट्री वाला आय हाय हाय आते जो सिखाया घुमा फिरा के वहीं पे ले आया तो ये जो केस है सम्मित वाला किसी ने सोचा इस एंगल से कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सम्मित हो मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रहे हो तो सर ने बताया था आते ही कि प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देनी है कितनों को याद था कितने भूल गए प्राथमिकता का मतलब होता है कम नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को मिलेगा कितनों को याद था कितने भूल गए तो कम नंबर डबल बॉन्ड को देंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वाली स्थिति होगी डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा चलिए सेकंड पे अब जब नंबरिंग कर ही दिए तो दिमाग लगाना बंद फॉर्म लगाना चालू तो यहाँ पे दो प्रतिस्थापी एक प्रतिस्थापी ये रहा एक प्रतिस्थापी ये रहा तो कौन से नंबर पे है सेकंड नंबर पे आपका एक प्रतिस्थापी है मिथाइल चलो उसके बाद थर्ड नंबर पे एक और अरे अरे दो दो हैं दो दो तो मिथाइल हैं ये तो दो तो दो तो मिथाइल हैं तो अगर दो दो तो मिथाइल आते हैं तो सेकंड नंबर पे भी मिथाइल है थर्ड पे भी मिथाइल है तो टू थ्री डाई मिथाइल हो जाएगा आगे बढ़े कितने काबन है बॉस रिंग तो बननी थी कितने काबन है छह काबन छह काबन का मतलब हो गया हैग्स सारे बॉन्ड सिंगल है क्या नहीं सर फर्स्ट के बाद डबल है और फिफ्थ के बाद ट्रिपल है ओके तो फर्स्ट के बाद डबल है तो ई ना आ जाएगा ई हट जाएगा और फिफ्थ के बाद ट्रिपल है तो फिफ्थ के बाद वाई एनी वाइन आ जाएगा ये लीजिए मजे करिए कर ये, ये हो गया कितो का सही है भाई ये जिसका सही है ना उसने आज की क्लास को ईमानदारी के साथ स्टार्टिंग से देखा समझा और उसने कोई गलती नहीं करी वो बच्चा मुझे बेहद अच्छा लगेगा जो इसका आंसर जिसका सही है चलो बढ़िया फिर गुड आगे बढ़े ओके okay. अब हेडिंग लगाओ क्रियात्मक समूह से संबंधित नामकरण क्रियात्मक समूह से बड़े बड़े लोग आ गए हैं अब जो लास्ट में आते हैं ना टू डिग्री सफिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आ गए हैं अब तो क्रियात्मक समूह से संबंधित तो आप देखने जा रहे हो क्रियात्मक समूह से संबंधित नामकरण ठीक है देखें इसको कि क्रियात्मक समूह से संबंधित नामकरण कैसे करेंगे इसके लिए कुछ कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी बिना कैप्सूल के तो कर नहीं पाओगे ऑब्वियस बात है तो चलिए कैप्सूल सुनिए आशीष का महा कैप्सूल दे रहा हूं मैं आपको यह कैप्सूल मत भूलना सबसे काम की चीज है इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है लिखो कैप्सूल मेरे साथ साथ यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है बहुत इंपॉर्टेंट बात है यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है यदि किसी क्रियात्मक समूह में यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वह मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा तो वह मेन चेन का हिस्सा तो वह मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं मैं यह बोल रहा हूं कि यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है आप ऐसा कोई क्रियात्मक समूह देखते हो जिसके अंदर कार्बन है तो वो मेन चेन का हिस्सा हंड्रेड एंड टेन परसेंट बनेगा चलो बढ़िया आगे की बात सुनो यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है यदि इसके बाद की बात है यदि क्रियात्मक समूह में यदि क्रियात्मक समूह में यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है नहीं हो नहीं है भी लिख सकते हो यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो वह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे है तो वह क्रियात्मक समूह तो वह क्रियात्मक समूह तो वह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे है वह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे है एग्जाम्पल की बात समझ में आ जाएगी लाइन आपको वह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर है वह वह कार्बन वह कार्बन मेन चेन का हिस्सा वह कार्बन मेन चेन का हिस्सा वह कार्बन मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा वह कार्बन मेन चेन का हिस्सा जरूर बनेगा इसके साथ एक चीज और लिख लो इंग्लिश में चाहे सी एच एच ई चाहे चेन चाहे चेन कितनी भी छोटी हो जाए चाहे चेन कितनी भी चाहे चेन कितनी भी छोटी हो जाए ये हंड्रेड परसेंट की बात है इसी हंड्रेड परसेंट ये कंसेप्ट रहेगा बेटा इस कंसेप्ट के साथ लापरवाही मत कर देना आपका क्रियात्मक समूह के अंदर अगर कार्बन है तो वो क्रियात्मक समूह 100 परसेंट उस क्रियात्मक समूह का कार्बन 100 परसेंट मेन चेन का हिस्सा होगा अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो वो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन मेन चेन का हिस्सा होगा चाहे तुम्हारी चेन कितनी भी छोटी बने इस बात को ध्यान से याद रखिएगा चलिए अब शुरू करते हैं और यह बात तो आपको पता ही है कि प्राथमिकता या जिसको हम बोलते हैं जिसकी प्राथमिकता ज्यादा उसको कम नंबर है ना तो ये तो आपको पता ही है कि प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप की उससे कम प्राथमिकता है डबल ट्रिपल बॉन्ड की और सबसे कम होती है प्रतिस्थापी की तो बड़े बड़े लोग आ जाए तो भूल जाना कि प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा बड़े बड़े लोगों में से कोई भी आ जाए हमेशा नंबर बड़े लोगों को कम मिलेगा और वो नाम के सबसे पीछे लेके जाएंगे क्योंकि हमारे नाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सबसे पीछे आती है नंबर सबसे कम नाम में सबसे पीछे चलिए अब आपको एक एक करके सभी फंक्शन ग्रुप से मिलवाता हूं सबसे पहले पेश है खिदमत एल्कोहल तो स्वागत करते हैं जनाब एल्कोहल का आपकी तारीफ में क्या ही कहें आपका निर्माण आप जब एक ओ और एक एच के साथ होते हैं तो हम आपको एल्कोहल कहते हैं आप जब नाम के पीछे आते हैं महोदय है, नमस्कार आपको आप जब नाम के पीछे आते हैं तो बच्चों को ऑल लगाने की सलाह दी जाती है आप कार्बन में आकर के एक ऐसा विशेष गुण उत्पन्न करते हैं जिनसे इस दुनिया की बहुत बड़ी आबादी शाम को आठ बजे बाद झूम रही होती है आपका नाम है एल्कोहल आप एक क्रियात्मक समूह है आप ओ और एच के मिश्रण से बनते हैं आप नाम के लास्ट में आते हैं तो ऑल लगता है आपको ग्रहण करने के बाद इंसान भूल जाता है कि वो कौन है और कुछ लोग तो आपको इतना ग्रहण कर लेते हैं कि सड़कों के ऊपर पड़े मिलते हैं सुबह तक तो आपका नाम है एल्कोहल और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इन बच्चों से दूर रहिएगा इन बच्चों की जिंदगी से दूर रहिएगा क्योंकि आपने बहुत लोगों के घर बिगाड़े हैं आप लोग आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप सबसे बड़े दुश्मन है मानव शरीर के लिवर के किडनी के आपके कारण मानव शरीर जो है उसकी किडनी और लिवर फेल होते हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मेरे इस बोर्ड तक सीमित रहें बच्चों की कॉपी तक सीमित रहें आप बिल्कुल भी बोतल का रूप धारण करके हमारे घरों में ना पधारें ठीक है इस विनती को जरूर स्वीकार कीजिएगा चलिए तो यह है आपका ओ एच ओ एच आपका है एल्कोहल Done. अब इसके बारे में बात करते हैं जैसे मान लो आपको ऐसा एक सवाल मिल जाए अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्टी सेवन ऐसा सवाल आ गया आपके सामने चलो ये ओएच लगा हुआ है क्या आपके इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है क्या आपके इस क्रियात्मक समूह में कार्बन है नहीं सर हमारे इस क्रियात्मक समूह में कार्बन तो दिख नहीं रहा तो यह क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे है वो हंड्रेड परसेंट मेन चेन का हिस्सा बनेगा तो ये ओवे जिस कार्बन पे है इस कार्बन को आपको मेन चेन का हिस्सा लेना है अब आप देख लो आपकी चेन जितनी लंबी बन सकती है बना लो प्राथमिकता किसकी ज्यादा है फंक्शन ग्रुप की तो सबसे कम नंबर उस कार्बन को मिलेगा जिसपे हमारा ओ विराजमान है तो वन टू थ्री फोर फाइव इस प्रकार की नंबरिंग होगी नंबरिंग में हमेशा कम नंबर हमें क्रियात्मक समूह के कार्बन को देना होता है अगर क्रियात्मक समूह पे कार्बन नहीं है तो क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे है हमें उस कार्बन को कम से कम संख्या देनी है जब आप एक बार पूरी शिद्दत के साथ नंबरिंग कर चुके हो तो आपको दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और आपको फॉर्मूला लगाना चालू कर देना चाहिए चलिए फॉर्मुला लगाइए तो सबसे पहले बताइए क्या यहां पे कोई प्रतिस्थापी है फॉर्मुला तो नहीं भूले हो ना सब लोग फॉर्मूला तो नहीं भूले ना क्या है फॉर्मूला कहाँ लिखू यहां लिख दू फॉर्मूला है टू डिग्री प्रिफिक्स प्लस वन डिग्री प्रिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वन डिग्री सफिक्स प्लस टू डिग्री सफिक्स मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा बेहद काम का वेली वेली इम्पोर्टिन फोर्मूला है ये इसको नहीं भूलना कभी भी चलो लिख लिया नाम ओ हो अब देखो ये कौन है भाई साहब आशीष द्विवेदी जी फोर क्लोरो पेंट वन ऑल अब इन्होंने फॉर्मूला नहीं लगाया इन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाया तो आधी अधूरी चीजें खा गए डैश लगाना भी भूल गए बहुत सारे कारण इन्होंने कर लिए अब मैं बताता हूं कैसे करना इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला तरीके से लगाओ सबसे पहले मैं पागल नहीं जो बाबा बोल रहा हूँ सबसे पहले देखो क्या इसके अंदर कोई सीएल ब्याज जैसा है हाँ है सर कौन से नंबर पे है चार पे है तो लिखिए फोर पे है क्लोरो डैश लगाना मत भूलो इसके बाद देखो हो गया एक ही था क्या इसके ऊपर रिंग बन रही है सर यहां पे कोई रिंग नहीं बन रही कितने कार्बन है पांच कार्बन तो पांच कार्बन है पेंट अब आशीष द्विवेदी भाई साहब डैश लगाना भूल गए थे दूसरी चीज इसके बाद क्या इसमें सारे बॉन्ड सिंगल है हाँ सर सारे बॉन्ड सिंगल है तो आप कौन सा शब्द काम में लेते हो एन शब्द काम में लेते हो अब आशीष द्विवेदी साहब ने जल्दीबाजी करी एन को भी खा गए इसलिए मैं कहता हूं लाइन से चलो दिमाग नहीं फॉर्मला लगाओ कुछ भी मिस नहीं होगा ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ोगे के तो पूरे मेरे पूरे नंबर आएंगे मैंने एक तरीका बना रखा है उसको फॉलो करने वाले बच्चे के नंबर गलत हो ही नहीं सकते अब द्विवेदी साहब ने गलती कर दी भूल गए वो उन्होंने फॉर्मुला नहीं लगाया दिमाग लगाया ए लगाना भूल गए चलो अब क्या बड़े बड़े लोग हैं अरे हाँ दर्शन हो गए एल्कोहल है कौन से नंबर पे है फर्स्ट पे फर्स्ट पे कौन है एल्कोहल के लगता है ऑल अब अगर ए ई आई ओ यू आता है तो अपन एन इन आइन के ई को हटा देते हैं तो इसका नाम होगा फोर क्लोरो पैंटेन वन ऑल और वन लिखना जरूरी भी नहीं होता है तो आप सिंपल पेंटेन ऑल भी लिख सकते हो या किसी ने पेंटेन वन ऑल लिखा है तो वो भी सही है अब ये नाम कितों का सही है बताओ ये नाम कितों का सही है बताओ अब अगला सवाल दे रहा हूँ ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ठीक है थीके? चलो एग्ज़ाम्पल थर्टी एट किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्पल थर्टी एट किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी मतलब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए

अब आगे ध्यान रखना आशीष जी ठीक है अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी नंबरिंग गलत हो गई नंबरिंग गलत हो गई क्या है सच में थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट पता नहीं है देख लो यार नंबरिंग को इग्नोर करो कंसेप्ट फोकस करते हैं चलो करें सवाल को ओ एच जिस कार्बन से रिलेटेड वो पक्का चेन में आएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन की यही चेन बनी है आपकी क्या आपकी यही चेन बनी पांच कार्बन की सबसे पहले तो ये बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने मत बैठना यहां पे। यहाँ पे ओ एच जिस कार्बन पे उस कार्बन को चेन में लेना ही पड़ेगा ये मजबूरी है तो यहां पे जो कार्बन चेन बनेगी वो ये बनेगी और ओ OH एच जिस कार्बन पे उसी को कम नंबर मिलेगा बाकी सबको भूल जाओ सब प्रतिस्थापी ही हैं भाड़ में जाओ ओ OH एच आपका एल्कोहल है ओ OH एच आपका क्रियात्मक समूह है उसी को कम से कम नंबर मिलेगा तब एक बार आपने नंबरिंग कर दी तो फिर दिमाग लगाना बंद फमला लगाना चालू फमला लिख लिया करो इससे मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो टू डिग्री प्रिफिक्स प्लस वन डिग्री प्रिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस वन डिग्री सफिक्स प्लस टू डिग्री सफिक्स सबसे पहले देखो सी एल भी ऐसा कुछ है क्या खूब सारे ऐसा या तो क्लोरो का सी ब्रोमो का बी फ्लोरो का एफ मिथाइल का एम दो दो मिथाइल डाई के हिसाब से नहीं करनी नंबरिंग एम के हिसाब से करनी है चलो तो सबसे पहले देखेंगे ब्रोमो को तो चौथे नंबर पे ब्रोमो है ये काफी अच्छा सवाल था प्रैक्टिस के हिसाब से चौथे नंबर पे ब्रोमो है सर तीसरे नंबर पे क्लोरो है सर तो तीसरे नंबर पे हो गया क्लोरो उसके बाद 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 सर चौथे नंबर पे फिर से फ्लोरो है तो फोर्थ नंबर पे फ्लोरो ठीक है उसके बाद सर दूसरे नंबर पे मिथाइल है अगला मिथाइल भी दूसरे नंबर पे है तो दूसरा दूसरा डाई मिथाइल अब डाई को देख के नंबरिंग नहीं करनी मिथाइल को देख के करनी है ठीक है चलो ये अपना खत्म हुआ क्या रिंग बन रही है नहीं बन रही सर कितने कार्बन है सर जी पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हाँ जी सर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिखते हैं एन उसके बाद क्या बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सर पता है एल्कोल आ रहा है तो फर्स्ट के ऊपर आ रहा है ऑल तो ऑलरेडी आप एन ई नाइन का ई हटा दोगे तो ये आपका हो गया इसका नाम उम्मीद करता हूँ सबका नाम बिल्कुल सही होगा कितनों का सही है भैया नाम कितनों का सही है कितनों का सही है गुड वेरी गुड संजना जी कहें सर जी कसम से इस बार हंड्रेड परसेंट सही है कुछ भी निकलती नहीं होनी चाहिए देखो डैश की गलती नहीं होनी चाहिए इस डैश की गलती नहीं होनी चाहिए इस डैश की गलती नहीं होनी चाहिए इसकी 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 कॉमा की गलती कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तब सही माना जाएगा बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द कॉमा बाय कॉमा डैश बाय डैश आपको चेक करना है अगर सब कुछ सही है तो ही कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करना कि मेरा सही है ऐसे ए फोकट वारवाही खुद को नहीं देनी गलत है तो सुधारना है उसको अपन को चलो अब मैं आपको प्रैक्टिस कल करवाऊंगा अब मैं आपको फंक्शन ग्रुप से मिलवा देता हूं अब C डबल बॉन्ड O और इसके तरफ दोनों कार्बन के बॉन्ड खाली इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कार्बोनिल परिवार क्या बोलते हैं कार्बोनिल परिवार तो कार्बोनिल परिवार के तीन मुख्य सदस्यों से मैं आपको आज मिलवा रहा हूं क्वेश्चन कल करवाऊंगा अब हम कार्बोनिल फैमिली के तीन मुख्य सदस्यों से मिलने जा रहे हैं इनका शान के साथ स्वागत करना है और कल की क्लास में आने से पहले आपको ये सारे याद होने चाहिए इस कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ में अगर आपने एक तरफ जोड़ दी हाइड्रोजन और एक तरफ कोई कार्बन समूह ध्यान रखना आर का मतलब होता है कार्बन समूह मतलब आर की जगह कुछ भी हो सकता है जैसे आर की जगह सी एच थ्री हो सकता है आर की जगह सी एच थ्री सी एच टू हो सकता है तो सामान्यतः कार्बन समूह को अपन आर से प्रदर्शित करते हैं और एक बात और याद रखना केमिस्ट्री में कार्बन को बहुत जगह एल्क कहा जाता है इससे आपने देखा होगा ना एल्केन एल्कीन एल्काइन तो आर का मतलब होता है कार्बन समूह और एल्क का मतलब होता है कार्बन तो यहां पे आर लिखा हुआ है इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई कार्बन समूह है तो एक तरफ कार्बन समूह आ जाए एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो इसको बोलते हैं सी एच ओ क्या बोलते हैं सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ इसको ऐसे भी लिखते हैं लिखते हैं आर आर सी एच ओ तो सी एच ओ सी एच ओ आर सी एच ओ 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 इसको कहते हैं एल्डिहाइड अब थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको बोलते हैं एल्डिहाइड तो एक तरफ कार्बन हो इसमें और एक तरफ एच आ जाए तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड डी हाइड सी एच ओ एल लिखो कमेंट सेक्शन में अभी याद करवा देता हूं सीएचओ एल डी एल्डिहाइड सी एच ओ एल्डिहाइड डी हाइड सीएचओ एल्डिहाइड डी हाइड सी एच ओ एल 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 और जब ये नाम के पीछे आएगा तो इसके लिए लगता है ए एल एल शब्द जैसे एल्कोहल के लिए ओवल लगता है ना वैसे इसके लिए लगता है एल तो सीएचओ एल डी हाइड सी एच ओ एल डी हाइड अब इसमें दोनों तरफ कार्बन समूह आ, आ जाए इधर भी कार्बन समूह आ जाए इधर भी कार्बन समूह आ जाए बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है दोनों तरफ कार्बन समूह आ गए एग्जाम्पल दू जैसे ऐसा कुछ हो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दोनों तरफ कार्बन समूह आ गए इसका एग्जाम्पल सी एस थ्री सी डबल ओ एच ऐसा कुछ है ना वैसे यहां पे आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है बाद में बात करेंगे चलो इस बारे में हाँ तो ये क्या हो गया जब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन हो जाए सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, तरफ कार्बन तो इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं याद रखिएगा इसको कहा जाता है कीटोन तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन आ जाए C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन आ जाए C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो उसे कहते हैं कीटोन क्या बोलते हैं कीटोन और जब कीटोन नाम के लास्ट में आता है तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है ओ एन ई ओन जब कीटोन नाम के लास्ट में आता है तो इसके लिए काम में लेते हैं ओ एन ई -E ओन तीसरा है तीसरा बड़ा खतरनाक है सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ आ जाए कार्बन समूह और एक तरफ आ जाए ओ OH. एच एक तरफ आ जाए कार्बन समूह एक तरफ आ जाए ओ OH. एच तो ये हो जाता है सी ओ एच और सी ओ ओ एच को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल तो लिखो कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल इसका सिंपल है ऐसा कुछ हो जाए सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना एग्जाम्पल 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 हा तो सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड नाम बता रहा हूं मैं आपको इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और जब ये नाम के पीछे आता है जब ये नाम के पीछे आता है तो इसके लिए ओइक एसिड ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कल आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जब इनाम के पीछे आता है तो इसके लिए ओई कमल का प्रयोग करते हैं बस आपको इसको याद रखना था अब आज इसको बैठ करके शांति से याद कर लीजिएगा कल की क्लास में आने से पहले आपको कार्बोनिल परिवार के जितने सदस्यों से मैंने मिलवाया वो सारे सदस्य अच्छे से याद होने चाहिए बहुत सिंपल है सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसे अपन कार्बोनिल परिवार कहते हैं अब सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर अगर एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो ये कहलाता है सी एच ओ एल डी हाइड इसके लिए एल शब्द का प्रयोग करते हैं दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो ये होता है कीटोन इसके लिए ओन शब्द का प्रयोग करते हैं और एक तरफ कार्बन और एक तरफ ओ OH आ जाए तो ये आपका हो जाता है कार्बोक्सली कम्ल और इसके लिए ओइक एसिड शब्द का प्रयोग जो है प्यारे बच्चों किया जाता है डन वजो अभी को चलो अब आप सभी से गुजारिश है अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है आपने आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको अपने बैच के ऊपर अच्छे अच्छे एनसीआर टी क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे मिलेंगे एनसीआर टी क्वेश्चन के सोल्यूशन पाने के लिए तो आपको बैच रेगुलरली जा करके देखना पड़ेगा एप्लीकेशन को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो आपने अगर अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गे? क्योंकि सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको ऐप के ऊपर ही मिलेगा और अगर आपने यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको लाइक शेयर कर देना है ना सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबा लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि आपकी कोई भी लेक्चर कोई भी वन शॉट कोई भी क्लास जो यूट्यूब पे फ्री होती है वो मिस ना हो कमेंट करके आपको आज का होमवर्क है सी एच ओ एल डी हाइड सी ओ कार्बोक्सिक अम्ल और सी ओ के दोनों तरफ कार्बन कीटोन ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आज के आज ही आपको यहां पर याद हो जाए तो अब मिलेंगे अगली कक्षा में जहां अपन आप लोग आपके क्रियात्मक समूह के काफ़ी अच्छे अच्छे नामकरण करेंगे अब आपको नामकरण में और इंटरेस्ट आएगा और एक बार नामकरण समाप्त हुआ फिर तो ऑर्गेनिक अपनी अलग प्रकार की रफ्तार जो है पकड़ेगी ऑर्गेनिक में आपको अलग प्रकार का कंसेप्ट देखने को मिलेगा और कल से मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि तो ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक चल रही होगी छः बजे इलेवंथ की चल रही होगी नौ बजे तो दोनों टाइम मैं अपना फेवरेट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा बहुत मजा आने वाला है चलो बाय बाय